दुनिया के सबसे वजनी महिला ईमान अहमद की मौत हो गई है। ईमान का अबू धाबी के बुर्जिल अस्पताल में इलाज चल रहा था। सुबह करीब 4:30 बजे उन्होंने आखिरी सांस ली। पिछले हफ्ते ही ईमान ने अपना 37वां जन्मदिन बनाया था। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू FM न्यूज। दोस्तों, आपने FM न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए डेली न्यूज के साथ साथ बहुत सी जानकारियां भी लेके आते हैं। बुर्जिल अस्पताल ने ईमान अहमद की मौत की पुष्टि करते हुए बताया कि उनके दिल और किडनी ने काम करना बंद कर दिया था, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। बुर्जिल अस्पताल के मुताबिक ईमान को इजिप्ट से यहां शिफ्ट किया गया था। उनका इलाज 20 स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की निगरानी में चल रहा था। अस्पताल के CMO डॉक्टर यासिन एल शाहत ने बताया कि इलाज के दूसरे स्टेज में ईमान खुद से खाना खा रही थी और व्हील चेयर का इस्तेमाल करने लगी थी। अस्पताल ने ईमान के परिवार के प्रति संवेदना जाहिर की है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसके पहले ईमान अहमद की फरवरी में मुंबई के सैफी अस्पताल में वेट लॉस सर्जरी हो चुकी है। सर्जरी के लिए जब उन्हें भारत लाया गया तब उनका वजन 504 किलो था। मुंबई में करीब 4 महीने तक उनका इलाज चला। इस दौरान डॉक्टर ने उनका वजन 300 किलो तक घटने का दावा किया था। दोस्तों, न्यूज अपडेट के साथ साथ ऐसी जानकारियों के लिए FM न्यूज को सब्सक्राइब कर लें। स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।